बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इफ्रास किचन। मैं हूँ इफ्रा और मेरे साथ है मेरे हस्बैंड फहद। और आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मुगलाई मटन कढ़ाई गोश्त। और इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मटन हमने लिया आधा किलो, सबल मिर्ची हमने लिए हैं 4 से 5 हमने काट लिए हैं, कड़ी पत्ता हमने लिए है 2 से 3, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी हमने लिया है 1 टीस्पून, सूखा मिर्च का पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने ले लिए हैं, उसका छिलका उतार के हमने काट लिए, और 1 बड़ा प्याज हमने ले लिया, उसको चॉप कर लिया। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे प्याज, साथ में ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, अब हमने इसमें ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में हम ऐड कर देंगे मटन, फ्राई करेंगे अच्छे से। मटन को हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, सबल मिर्ची, और साथ हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 कप पानी। और 1 घंटे के लिए हम इसको दम देंगे, तब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। और ये 1 घंटा हो चुका है, हम चेक करते हैं हमारा गोश्त गला है कि नहीं। हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही, और मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। एक लीमू का जूस, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते अपना डालें। हम ऐड करेंगे धनिया, और ये हमारा ज़बरदस्त मुगलाई मटन कढ़ाई तैयार है, हम इसको डिश आउट करते हैं। और ये ज़बरदस्त सी मुगलाई मटन कढ़ाई हमारी तैयार है, इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। अब मुझे और फहद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।